जहाँ तक पता है कि अभी जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं और जो चीज़ हम लोग टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वो पूरे वो पटना में सिर्फ यहीं पे मिल सकती है। एग्जैक्टली वो पूरे पटना में मेरे घर के पास मिल रहा है। और वो एक बार मैं लोकेशन चेकआउट करा देता हूँ, और भैया का जो गाड़ी लगा हुआ है पिज्जा का वो मैं दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। गाइस ये देख लो, तकुल्हर पिज्जा, ये भैया का शॉप है। तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हो, अभी ये जो तीनों है ये रेडी हो चुका है। अभी अभी टेस्ट कर रहा, तो राज से पूछते कैसा लग रहा है। तो रेगुलर कस्टमर, राज तो रेगुलर कस्टमर, भाई गरम गरम इतना बड़ा खाया है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स बिहारी बाइकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपने घर पर रह रहे होंगे। तो गाइज ये इंसान अभी देखो मुंह पे हाथ रखे मेरे इंट्रो के साथ साथ हंस रहा है बेचारा, अभी लगभग 1.5 मिनट बोल लिया, बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग। अरे रिकॉर्डिंग अभी बीच में देखे थे, कल का जो हम ब्लॉग एडिट कर रहे थे तो एक जगह माइक ग्लिच कर गया, वो हम आज मतलब ब्लॉग में भी डाले थे। ब्लॉग मेरा तो गोप्रो बता रहे, मेरा अभी नेपाल वाले क्लिप में बहुत जगह क्या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले रहे हैं, पूरा फुटेज में कुछ नहीं आ रहा, मतलब वीडियो आ रहा, आवाज एक डॉट भी होता ना कुछ। हाँ तो ये हमको लग रहा है गोप्रो का ग्लिच आ गया ना, गोप्रो शुरू से ग्लिच है। तो गाइज आज हम लोग जो यहाँ पे मिले हैं वो किसी रीजन से मिले हैं, और आज गाइज हम लोग नहीं करने वाले मोटो ब्लॉगिंग, आज हम लोग करने वाले फूड ब्लॉगिंग। और भाई क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देख लो रीजन क्या है, अब हम लोग भी फूड ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं, और एक्चुअली गाइज मैं ही फूड ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। क्या आज हम हलाल हो गए तो गाइज आज सुन लो, आज स्ट्रीट बर्नर की तरफ से है, तो भाई देख लो भाई, और किसी को खाना है तो बता सकते हो कमेंट में। और आज अपने स्ट्रीट बर्नर आए हुए हैं किस चीज़ से, ये चीज़ देख सकते हो जारा से, और अभी जारा पे मोटा खर्चा आने वाला है लगभग 20,000 रुपये। ओ भाई साहब, मतलब जारा भी अभी पूरे टिप टॉप होने वाली है। रुपए का खर्च होने के बाद आप समझ सकते हो कि एमटी में क्या होगा, 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है इस बाइक के लिए। ऑब्वियस सी बात है, मतलब अभी ऑलमोस्ट ये नया होने वाला है, मतलब बॉडी शेप तो वैसे ही रहेगा, बॉडी वाइज सब कुछ वैसा रहेगा, इंटरनल जो इसका है परफॉर्मेंस वाइज सब कुछ, जैसे चेन स्प्रॉकेट हो गया, टायर्स हो गया, क्रैश पैड हो गया, और भी कुछ कुछ ठीक है वो मेरे वीडियो में। और अभी इसके ऊपर कुछ प्लानिंग भी चल रही है जो कि अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं, लंबी राइड की प्लानिंग चल रही है गाइज, और बाकी लोकेशन रिवील नहीं कर सकते अभी। और गाइज अभी एक चीज़ और बताना था कि हमें जहाँ तक पता है कि अभी जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं और जो चीज़ हम लोग टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वो पटना में सिर्फ यहीं पे मिल सकती है। एग्जैक्टली वो पूरे पटना में मेरे घर के पास मिल रहा है, और वो ये बंदा अभी उतने दूर से ट्रैवल करके सिर्फ उस चीज़ के लिए आया है। और भाई ट्राई कर रहा, एक्चुअली मैंने कहीं ट्राई नहीं किया था, दिल्ली में भी मैं मतलब सुना था बट ऑप्शन नहीं मिल पाया। हाँ अभी बाहर ये चीज़ ट्रेंड में आया हुआ है, बट पटना के अंदर मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है, अभी हम लोग पहला ऐसा है। एग्जैक्टली तो गाइज आज हम लोग अपन मोटो ब्लॉगिंग छोड़ के आज एक दिन के लिए अभी हम लोग करने वाले हैं फूड ब्लॉगिंग, और हो सकता है कि अभी एक दो तीन ब्लॉग में मेरे बहुत प्यारे प्यारे फूड ब्लॉगर फ्रेंड भी है। ओके अभी अभी ये स्माइल के पीछे बहुत बड़ा राज है, बाकी राज अपना यहाँ पे भी है। तो गाइज तो गाइज अभी हम लोग को आरपीएस मोड़ी तक जाना है, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, बस मोड़ पे जाना है, और ऐसे भी मैं अभी राइड करने वाला हूँ इसका R15। और गाइज अभी मेरे बटीडो नोन है तो उस पर भी कुछ खा वाली, मतलब नोन है तो ऐसे भी कॉल भी आ चुका है कि खा लेने के लिए, तो फूड ब्लॉगिंग एग्जैक्टली कहीं और जाने का मन नहीं किसके अलावा, अच्छा बाइकिंग के अलावा। तो अभी अभी आपके ब्लॉग में तो नहीं पता, लेकिन मेरे ब्लॉग में अभी दो तीन ब्लॉग में फूड ब्लॉगिंग होने वाला है। एक वीक है पटना में भाई, जहाँ चलना चल लो, जैसे ही मतलब अक्टूबर स्टार्ट होगा फिर से राइडिंग। ओके 10 दिन के लिए, वैसे मैं प्लान कर रहा था दुर्गा पूजा के लिए, बट मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसे भी बहुत अभी लंबा प्लानिंग चल रहा है। एग्जैक्टली अभी तो मेरे क्लासेस इतना ज़्यादा रेगुलर हो चुके हैं भाई, 4 दिन बताया गया था मेरे को, अभी 6 दिन वीक का कर दिया, और आगे चल के ये भी बताया जा रहा है कि 7 दिन चलेगा। होप सो कि हो जाए, पूरे पब्लिक को पता चल गया अब, लेकिन किसी को नहीं बताना। तो भाई चलो फटाफट अभी बैठते हैं R15 पे, और अभी मैं राइड करने वाला हूँ राज का R15, और चलते हैं सीधा, पास में ही है तो अब चलो सीधा मिलेंगे हम लोग उसी जगह पे। तो चलो गाइज अब सीधे मिलते हैं कुल्हड़ पिज्जा के पास। तो गाइज अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आरपीएस मोड, और आ गए हैं अभी भैया के शॉप पे कुल्हड़ पिज्जा के लिए। तो गाइज अभी यहाँ देख लो कुल्हड़ पिज्जा का प्रोसेस शुरू हो रहा है, जैसा कि नाम है इसका कुल्हड़ पिज्जा, तो ये बनता भी कुल्हड़ के अंदर में है। तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से आप लोगों ने यूट्यूब के अंदर कभी ना कभी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, और आज मैं आपको अपने वीडियो के अंदर ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। और गाइज अभी देख लो किस तरीके से चीज़ डाला जा रहा है पहले, और मैं अभी पूरा पूरा का पूरा स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ भैया के साथ।
और देख लो कितने बढ़िया से चीज को डाला जा रहा है यहाँ पे। और जिम जो करते हैं उनके लिए स्पेशल रिकमेंडेड है। जिम वाले के लिए स्पेशल रिकमेंडेड है भाई। चीट फूड जिस दिन तुम्हारा होगा उस दिन आओ और एकदम टेस्ट करके जाओ। और भैया अभी कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है ना। अभी देखिएगा, मैं भी इस वीडियो के बाद और भी लोग आना स्टार्ट करेंगे। और गाइज अभी जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अपने स्मिथ भाई स्ट्रीट बर्नर कंकड़बाग से आए हैं खाने के लिए, तो अभी पटना के हर एक कोना से लोग यहाँ पे आने वाले हैं खाने के लिए, क्योंकि गाइज पटना में ये बस एकमात्र जगह जो कि हम लोगों को पता है कि मिल रहा है। और अभी इसके अंदर फिलिंग्स जा रहा है जो कि भैया पहले से रेडी किए हैं। और गाइज आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया ये फिलिंग्स है। अच्छा ब्रेड उसके अंदर मिला हुआ है क्या? अच्छा तो गाइज ब्रेड उसके अंदर मिला हुआ है और ये फिलिंग्स इसका तैयार है। और भैया एक बार रेट के बारे में बताइए कि क्या रेट है? 69 rupees है वन पीस। रेट भी भाई बहुत यूनिक है। तो गाइज जो रेट है वो आपको पता है कि 69 rupees यहाँ का रेट है। प्लस कितने वैरायटी आ रहे हैं भैया इसके अंदर में? तीन वैरायटी है। कौन कौन सा? पनीर कुल्हड़ पिज्जा है, कॉर्न कुल्हड़ पिज्जा है, फिर मिक्स कुल्हड़ पिज्जा। और गाइज अभी हम लोग जो टेस्ट करने वाले वो मिक्स करने वाले हैं, क्योंकि मिक्स सबसे बढ़िया है। बाकी तीनों बढ़िया है लेकिन मिक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो उसी रेट का है तो फिर हम लोग सोचे कि ना मिक्स ट्राई किया जाए। तो जो तीनों बन रहा है हमारे लिए वो मिक्स बन रहा है। और बाकी राज तो पूरा एक्साइटेड है, क्योंकि सुबह राज अगर खा के नहीं निकलता तो राज को गैस हो जाता है, है ना? क्या हो जाता है राज? गैस हो जाता है। अभी नहीं ना कोई दिक्कत? अभी तो शाम हो गया है। तो गाइस एक बार मैं लोकेशन चेकआउट करा देता हूँ, और भैया का जो गाड़ी लगा हुआ है पिज्जा का वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो गाइस ये देख लो द कुल्हड़ पिज्जा, ये भैया का शॉप है। और ये कहाँ पे है? ये आरपीएस मोड पे, आप इधर देख सकते हो, इधर इम्पैक्ट कॉलेज है। और इम्पैक्ट कॉलेज के ठीक सामने आपको भैया का मिल जाएगा गाड़ी। और भैया टाइमिंग क्या है यहाँ का? 5 से 10। कितना कुल्हड़ भेज देते हैं 10 बजे तक बताइए? 40 कुल्हड़। आप वीडियो देख रहे हो, जो भी गाइस अभी आप वीडियो देख रहे हो पटना के अंदर से, आओ भैया को सपोर्ट करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करो, क्योंकि भाई कुछ तो यूनिक आ रहा है अपने पटना के अंदर में। तो भाई सपोर्ट करना हम ही लोगों का काम है और यही सपोर्ट करना बनता भी है। तो गाइस भैया को पूरा सपोर्ट दिखाओ। और देखो अभी कितना बढ़िया ये पूरा फील हो चुका है ऊपर तक में, और अभी इसके बाद भी चीज आ रहा है, मतलब कैलोरी समझ रहे हैं? कैलोरी समझ में आ रहा है आपको? अभी मेरा भी वही हाल है, हम अपना नहीं दिखाएंगे। तो गाइस देख लो कम्प्लीटली पूरा चीज भर दिया गया है इसके अंदर में। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको फूड ब्लॉगिंग कैसा लगा। आज एक दिन के लिए मैं फूड ब्लॉगर बना हूँ, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आगे 2-3 वीडियो और फूड ब्लॉगिंग की आएंगी, है ना? फ्री का खाना मिल रहा है बाकी जगह, यहाँ तो पेड है, यहाँ पेड है, लेकिन यहाँ पे पे करते दिखाएंगे अगला को प्रमोशन नहीं लगता। हाँ ये प्रमोशन नहीं है, प्रमोशनल ये मैं आया था एक दिन भैया का टेस्ट करके गया था यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। अच्छा होता है सपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और एक बार तुम लोग भी आगे खाओगे ना भाई, कोई कंप्लेन नहीं होने वाला, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बस आना तो एक चीज करना, भैया को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बता देना। तो भाई देखो रेट तो ऑलरेडी बहुत कम है, तो रेट में कुछ नहीं होने वाला है, बाकी चीज रेट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा तुमको, है ना भैया? चीज देंगे ना जो बताएगा बिहारी भाई कर मेरा चैनल का नाम हुआ यूट्यूब का, ऐसे ही इतना चीज है और डलवा देंगे तो फिर क्या ही होगा बेचारा भाई। चीज लवर्स का कमी नहीं है अभी पटना के अंदर, सबको चीज चाहिए होता है। कौन सा चीज? जो आपको दिखाई दे रहा है वो वाला चीज। राज तुमको एक्स्ट्रा चीज चाहिए? हाँ जरूर जरूर, देख लीजिए अभी अभी, अभी 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 इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें ही बह रहा है बाहर के लड़के, देखिए इतना है कि बह रहा है। कोई बात नहीं, ऊपर से पनीर भी आ गया। और ये देखो भाई अभी ऊपर से यहाँ पे पनीर भी ऐड हो रहा है, मतलब अभी जो टेस्ट आने वाला वो तो टेस्ट करके अभी फिर से बताएंगे तुमको। बाकी आप देख सकते हो कितना सही जा रहा है ये, और देखने में अभी ही इतना प्यारा लग रहा है, मतलब की अगर इसमें टोटल जो भी चीज यूज हुआ है कम्प्लीटली वेज है, छुपा के रखा। हाँ स्पेशल मसाला है इसका, जो भी चीज है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, ना ही भैया से पूछने वाला हूँ। और भाई अभी देख लो उसको टेस्ट बनाने के लिए सब कुछ यूज किया जा रहा है, और अभी देख रहे कितना लग रहा है ना, बहुत सही आ रहा है, और अभी ही लग रहा है कितना टेस्टी होने वाला है ये चीज। और गाइज अभी देखो ये जा रहा है अभी बेक होने के लिए ओवन के अंदर। भैया कुल्हड़ के साथ ओवन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना। हो रहा है ये कि कुल्हड़ खुद मिट्टी से मिट्टी को पका के बनाया जाता है, तो अगर पके भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है गाइज अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, एक बार यहाँ ओवन से निकलने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। और बाकी आज कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना, अगर सपोर्ट करोगे तो भाई आगे एक दो वीडियो और आ जाएंगे फूड ब्लॉगिंग के। बाकी ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अभी चेकआउट कर सकते हो ओवन में, अभी कितने टाइम के लिए था भैया? 5 मिनट के लिए भैया बता रहे, जैसा कि ओवन में था, और अभी ओवन से निकलने के बाद अभी आप देख सकते हो इसका लुक कितना तगड़ा आ रहा है। और भैया जो एकदम कम्प्लीटली इसको पत्ते की तरह जो पत्तल है उस पे दे रहे हैं। तो गाइज अभी आप चेक कर सकते हो, अभी ये जो तीनों है ये रेडी हो चुका है।
और हमारे गाइस भी रेडी हैं। बाप रे बाप, स्माइल देखो भाई, भूख लग गया है। और अभी इसको टेस्ट करने वाले, टेस्ट करके बताइए कैसा ये टेस्ट। कॉन्सेप्ट काफी अच्छा। और अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, तो बूम तो होना ही है। और हम दुर्गा पूजा में खुद गायब है। तो ठीक है, अभी पहले इनको टेस्ट करवाते हैं। पहले स्टोरी, एक स्टोरी तो बनता है गाइस। एग्जैक्टली एक स्टोरी तो बनता है। ठंडा हो जाएगा भाई, खा लीजिए भाई। एक मिनट भैया, रुक जाइए, खा रहे ठंडा है, ठंडा तो थोड़ी। तो गाइस ये देखो, अभी जा रहा है स्टोरी इंस्टाग्राम के ऊपर। भाई क्या फोटो है। तो गाइस अभी ये टेस्ट हो चुका है, तो अभी कैसा टेस्ट आ रहा है ये बताइए। मजेदार। तो गाइस फटाफट, अभी मेरा भी यहाँ पे रेडी हो चुका है बनके पिज्जा, और अभी पहले खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। तो गाइस चलो अभी पहले खत्म करते हैं पिज्जा को, फिर आपको बताते हैं कि हमें कैसा लगा टेस्ट। बाकी राज भी अभी टेस्ट कर रहा, तो राज से पूछते कैसा लग रहा है। तो रेगुलर कस्टमर है। राज तो रेगुलर कस्टमर भाई, गरम गरम इतना बड़ा खाया है, खा नहीं पा रहा मुझसे और बता रहा है कैसा है टेस्ट। एक और बाइट। सुपर। तो चलो गाइस फटाफट अभी हम भी खाते हैं, और खाने के बाद फिर आपको रिव्यू करते हैं कैसा। अभी चेकआउट कर सकते हो भाई, 2 मिनट के अंदर हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। इतना ज्यादा टेस्टी था, इतना ज्यादा टेस्टी था, और मजा आ गया खा करके। आईफोन है गाइस, चेक इट आउट। ब्लॉग हो रहा है, ब्लॉग चल रहा है भाई। तो गाइस अभी आप चेकआउट कर सकते हो, हम लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया है। और भैया भैया को भी बताते, भैया बहुत टेस्टी था, खा के बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू फिर से बोले, अच्छा नहीं लगा, खुशी खुशी। तो गाइस अभी हम लोग का यहाँ पे पिज्जा फिनिश हो चुका है, और पेमेंट भी हो चुका है। तो थैंक्स टू मिस्टर स्ट्रीट बर्नर आज के पिज्जा के लिए। और हम बोले थे हमको टेस्ट करना यार, और भाई आज का पिज्जा इनके साइड से था, बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा लगा। और मुंह पर खराब बोल कर जाते हैं। और एग्जैक्टली अभी हम बता भी दे रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे से खा के जाएंगे ना, वो कोई भी ऐसा नहीं जिसको अच्छा नहीं लगेगा, इतना ज्यादा टेस्टी था, इतना अच्छा सब बोल रहे हैं। और एग्जैक्टली गाइस हम चाहते भी है कि आप लोग आओ, भैया को सपोर्ट करो, और भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, अपने फैमिली के साथ आओ और एकदम टेस्ट करो। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, और वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भैया के पास जरूर आना। और एक बार जब भी आओ तो ये बता देना कि भाई किसके वीडियो तो को देख के आ रहे हो, तो थोड़ा भैया की तरफ से प्यार मिल जाएगा। और एक बार भैया फिर से रेट बता दो। 69 पर कूलर है भैया, 69 रुपीज पर कूलर। और कितने वैरायटी है? 3 वैरायटी है भैया, 3 वैरायटी है। पनीर कूलर मिल जाएगा, कॉर्न कूलर मिल जाएगा, मिक्स मिल जाएगा भैया। तो गाइज अभी आपको सारा जानकारी दे दिया गया, और ये भी बता दिया गया है कि लोकेशन है अपना RPS मोड इम्पैक्ट कॉलेज के ठीक सामने। इनका आपको गाड़ी मिल जाएगा, फूड वैन जो है इनका वो मिल जाएगा, कूलर पीज आगे लिखा हुआ है जो कि आपको वीडियो के अंदर भी दिख गया होगा। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राइड सेफ राइड।